हेलो एवरीवन वेलकम टू अर यूट्यूब चैनल दिस इज विकास कुमार ऑन माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्रीवर्स एजुकेशन फ्रेंड्स बहुत बड़ी अपडेट है बी ने अपने पी एंट्रेंस टेस्ट के लिए इनफॉर्मेशन बुलेटिन को रिलीज़ कर दिया है जो एन की ऑफिशियल वेबसाइट है बी की बी एच इन्होंने ये इनफॉर्मेशन बुलेटिन को रिलीज़ किया है इसके अंदर क्या क्या है कौन कौन सी डेट्स हैं और क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जैसा कि फ्रेंड्स आपको बताया बी एच का जो पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट है इसको करवाने जा रहा है एन और यहाँ पर इसके कुछ ऑफिशियल्स डेट्स हैं जो इन्होंने अपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दे रखा है इसके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे या एप्लीकेशन होंगे वो फोर्टीथ ऑफ अगस्त यानी कि आज से शुरू हो गए हैं और ये चलेंगे आपके सिक्स ऑफ सेप्टेबर ट्वेंटी और जो यहाँ पर लास्ट डेट है ट्रांजेक्शन की वो भी यहाँ पर दे रखी है आपको सेवन्थ ऑफ सितंबर यानी कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है वो फोटीन ऑफ अगस्त से सिक्स ऑफ सितंबर 2021 तक जाएगी इसके अलावा बात करी जाए फी पेमेंट की तो पी टी के लिए जनरल ओ बी सी और ई कैटेगरी के, के लिए आपके सिक्स हंड्रेड हैं और एस सी एस टी और पी डब्ब्लू डी कैटेगरी के, के लिए आपके फोर हंड्रेड रुपीज़ पर पर्सन यहाँ पर, पर बताए गए हैं इसके अलावा करेक्शन की बात करें तो करेक्शन के लिए भी यहाँ पर एक विंडो दे रखी है आपकी एट ऑफ सितंबर से ट्वेल्थ ऑफ सितंबर 2021 तो और इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जो प्रॉपर डेट है एग्जामिनेशन की वो यहाँ पर अनाउंस नहीं किया गया है उसको आपके जो एडमिट कार्ड है या फर्दर जो डिटेल्स या नोटिफिकेशन आएंगे वहाँ पर इसको अवेलेबल कर दिया जाएगा अभी के लिए जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन में है यहाँ पर इसकी डेट दे है वन अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन एक अक्टूबर दो हज़ार इक्कीस से जो आपके पी टी एंट्रेंस टेस्ट हैं ये शुरू हो जाएंगे अब यहाँ पर डिफरेंट कोर्सेज हैं सबके लिए अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट होंगे और हर डेज आपके एक तारीख से शुरू हो जाएगा उसके अलावा ये कब तक जाएगा ये अभी एडमिट कार्ड रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा और बी एच यू के रिगार्डिंग जो बी एच यू का एंट्रेंस टेस्ट है इसके रिगार्डिंग जितने भी आपको इनफॉर्मेशन चाहिए उसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट है बी एच ई टी डॉट एन टी ए डॉट एन आई सी डॉट इन इसके अलावा एन टी ए की जो डब्ल्यू डब्ल्यू डब्लू डॉट एन टी डॉट ए सी डॉट इन यहाँ पर जाकर आप इनफॉर्मेशन को ले सकते हैं और यहाँ पर बात करी गई है अगर कोई कैंडिडेट है अगर वो एक से ज़्यादा कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करना चाहता है जिनका सेपरेट या उनका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है उनके लिए वो अप्लाई कर सकता है पर उसके लिए यहाँ पर कंडीशन ये दे रखी है कि वो उस कोर्स में एलिजिबल हो और उसके लिए वहाँ पर अलग से जो फी है वो पे करना पड़ेगा जनरल कैटेगरी को फोर हंड्रेड या अलग से पे करने पड़ेंगे और एस सी एस टी और पी डब्लू डी कैटेगरी के लिए टू था टू हंड्रेड रुपीज़ अलग से पे करने पड़ेंगे और एप्लीकेशन भी सेपरेटली उसको फिल करना पड़ेगा उस कोर्स के लिए अब बात करी जाए जो एप्लीकेशन है वो किस तरीके से करी जाएगी उसके क्या क्या स्टेप्स हैं सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा उसके अल... उसके बाद जो एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा फिर आपको ऑनलाइन अपनी डिटेल्स को फिल करना पड़ेगा उसके बाद थर्ड स्टेप में आपको अपनी इमेज को स्कैन करके अपलोड करना है और उसके साथ साथ जो सिग्नेचर है उसको भी अपलोड करना पड़ेगा यहाँ पर प्रिस्क्राइब्ड यहाँ पर साइज दे रखी है इसकी कि टेन के बी से टू हंड्रेड के बी के बीच में होनी चाहिए साइज आपके फोटो की और सिग्नेचर की फोर के बी से थर्टी के बी के बीच में साइज होना चाहिए और यहाँ पर थम इंप्रेशन को अपलोड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ नहीं दे रखा है और यहाँ पर बात करी गई है फोटो के रिगार्डिंग जो आप फोटो अपलोड करेंगे उसका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और जो आपका फेस है वो एट्टी परसेंट में आना चाहिए जो आपकी पासपोर्ट साइज़ फोटो है मान लीजिए ये फोटो है तो आपका फेस एट्टी परसेंट पार्ट में आना चाहिए इसके अलावा जो नीचे का पोर्शन है वो रिमेनिंग ट्वेंटी परसेंट में यानी कि फेस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए फेस क्लियर होनी चाहिए और यहाँ पर क्लियरली लिखा भी है कि इंक्लूडिंग एयर्स जो आपके कान है वो भी साफ साफ दिखने चाहिए अगेंस्ट द वाइट बैकग्राउंड इसके बाद जो लास्ट स्टेप है वहाँ पर आपको पेमेंट करना पड़ेगा जो ऊपर आपके पेमेंट की फी दे रेखी है वो आपको पे करना पड़ेगा इसके अलावा एडिशनल चार्जेस लगाए जा सकते हैं इंक्लूडिंग टैक्स और यहाँ पर एक लिए लिस्ट दे रखी है आपको जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अप्लाई कर रखा है और जो एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे तो वो क्या क्या चीज़ें कैरी कर सकते हैं या क्या क्या चीज़ें कैरी करनी पड़ेंगी उनको पहला तो है आपका एडमिट कार्ड जिसमें उनको सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा उसके अलावा एक सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पेन ये भी लेनी पड़ेगी आपको एडिशनल फोटोग्राफ्स और पर्सनल हैंड सैनिटाइजर पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल्स आईडी प्रूफ एंड सुगर टेबल्स अगर जो कैंडिडेट्स हैं डायबिटिक पेशेंट है तो उसको अलाउ कर दिया जाएगा अब यहाँ पर डिटेल्स में कोर्सेज दे रखें कि कौन कौन से कोर्सेज में मैक्सिमम इनटेक कितना है और कोर्स का कोड क्या क्या है ये दे रखा है अब हमको एम एस का देख लेते हैं कि एम एस में टोटल मैक्सिमम कितनी सीट्स इनटेक किया जाता है बी के द्वारा तो बी एच यू के पी ए टी टेस्ट में जो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस के लिए टेस्ट होते हैं जैसे आपके एम एस सी एग्रीकल्चर इन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जैसे आपके एग्रोनॉमी एंटोमोलॉजी सबको टोटल मिलाकर आपके टोटल मैक्सिमम इंटेक है आपके वन फिफ्टी सेवन अब बात करी जाए एलिजिबिलिटी की जो आपके एम एस सी ए जी के लिए जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा उसकी एलिजिबिलिटी की बात करी जाए तो यहाँ पर साफ साफ दे रखा है कि जो कैंडिडेट है उसको फोर ईयर बी एस सी एग्रीकल्चर डिग्री ये होनी चाहिए उसके पास उसके अलावा यहाँ पर जो ग्रेड पॉइंट की बात करी गई है आपके एटलीस्ट होने चाहिए सिक्स आउट ऑफ टेन अगर वो जनरल कैटेगरी से हैं और अगर एस सी एस टी और पी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर ओ बताया गया है मिनिमम फाइव आउट ऑफ टेन और यहाँ पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन में साफ साफ दे रखा है कि जो एप्लीकेंट है अगर उसने अपनी डिग्री ले ली है और उनका रिजल्ट आउट हो गया है और उनके रिज़ल्ट में या उनके ग्रेड सीट में अगर इक्विवेलेंट परसेंटेज के लिए फॉर्मूला या इक्विवेलेंट परसेंटेज कितना है वो मेंशन नहीं हुआ है तो उनको अपने कंसर्ट इंस्टीट्यूशन से मेंशन करवाना पड़ेगा अलग से कोई सर्टिफिकेट इशू कराना पड़ेगा जिसमें उनकी जो डिग्री है उसको कन्वर्ट करके या उसके कन्वर्जन का फॉर्मूला क्या है वो इंक्लूड किया गया हो जैसे आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा मान लीजिए आपका ओ जी रखा है सेवन तो उसी रिजल्ट में आपका मैंसन होना चाहिए कि उसका परसेंटेज इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया गया है अगर ऐसा नहीं है तो आपको अपने कंसर्न इंस्टीट्यूशन से एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा और ये बात है आपके काउंसलिंग के टाइम की बात है अभी तो इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि आपको खाली ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है आपको डिटेल्स फिल करनी है और जैसा कि ऊपर बताया था कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर एनी नंबर ऑफ कोर्सेज कितने भी कोर्सेज के लिए वो अप्लाई कर सकता है फॉर विच ही और सी इज़ एलिजिबल प्रोवाइडेड द एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाई एन आर ऑन डिफरेंट डेट्स अब मान लीजिए आप एंट्रेंस टेस्ट देने की सोच रहे हैं एमएससी एग्रीकल्चर की इसके अलावा आपने सोचा है कि एम एस सी डेयरी टेक्नोलॉजी और एम एस सी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में आप अगर एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं उस कोर्सेज के लिए एम एस सी एग्रीकल्चर के एंट्रेंस टेस्ट के पैटर्न के बारे में बात करी जाए तो आपके 120 ट्वेंटी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जिनमें आपको 120 ट्वेंटी मिनट दिए जाएंगे और ईच क्वेश्चन आपका फोर एट्टी मार्क्स का होगा चार मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है उसके माइनस वन आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे क्वेश्चन पेपर की मीडियम की बात करी जाए तो मीडियम आपका इंग्लिश में होगा अगर हम बात कर रहे हैं एम या आपके जो एम के एंट्रेंस एग्जाम है यहाँ पर एम और एम के एंट्रेंस एग्जाम की बात करी गई है तो उनके लिए ओनली इंग्लिश यहाँ पर मीडियम होगा एग्जामिनेशन का जैसा कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जो आपका एग्जामिनेशन है उसके स्टार्टिंग डेट यहाँ पर मेंशन कर रखिए कि आपके एक अक्टूबर से आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे बट जो आपके डिफरेंट कोर्सेज हैं उनके लिए यहाँ पर डेट अभी अनाउंस नहीं करी गई है वो आपके एडमिट कार्ड में बाद में रिलीज़ कर दिए जाएंगे जब आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे वहाँ पर आपको अपनी जो एग्जामिनेशन डेट है वो आपको मैंसन मिल जाएगी अभी के लिए आप ये मान के चलिए कि आपके एग्जामिनेशन वन अक्टूबर ट्वेंटी से स्टार्ट है और दोस्तों यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है जो अगर आप फोटोग्राफ अपलोड कर रहे हैं तो इस पर आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है वो आपको देखना है पहली बात तो हमने पहले बात कर ली कि 80 परसेंट फेस आपका आना चाहिए क्लियर फोटो होनी चाहिए ब्लरी ब्लड इमेज नहीं होनी चाहिए इसके अलावा जो आपके पोलेरोइड और कंप्यूटर जनरेटेड फोटोज़ ये एक्सेप्टेबल नहीं है अगर आप सोच रहे हैं कि आप फोन से एडिट कर पासपोर्ट साइज़ फोटो बनाकर उसको अपलोड कर दी जाए तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है अगर पर ये पाया जाता है कि जो फोटोग्राफ है उसको फेब्रिकेट किया है या उसको कंप्यूटर जनरेट किया है तो उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट किया जा सकता है तो तो कोशिश करिए कि आप अच्छे से जाएं स्टूडियो में फोटो खिंचा के अपनी पासपोर्ट साइज में फ़ोटो जिसमें आपका 80 परसेंट फेस दिख रहा हो और यहाँ पर एक लाइन जहाँ पर बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है कि जो फोटोग्राफ्स है उसमें आपको अपना नाम मैंसन करना है कि नहीं करना है तो यहाँ पर लिखा है कि एप्लीकेशन विदाउट फोटोग्राफ सॉल बी रिजेक्टेड ये तो सही हो गया एंड द फोटोग्राफ नीड नॉट टू बी अटेस्टेड यानी कि अटेस्टेड करने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है यहाँ कहीं भी मैंसन नहीं किया है कि आपको जो अपनी फोटोग्राफ है वहाँ आपको अपना नाम डालना है या डेट डालनी है ऐसा कहीं नहीं लिखा है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है आप ना नाम डालिए ना डेट डालिए आप अपनी सिंपल सी फोटो खींचिए जिसमें आपके व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थी बी के पीटी एंट्रेंस एग्जाम की रिगार्डिंग आई होप इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी तो दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट टाइम टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर